लगे। मैं हूं आपका मेजबान वकार हुसैन। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा। कैनेडियन हुकूमत का मुतासर इलाकों में बहाली के कामों में फौजी एहलकारों की तादाद बढ़ाने का फैसला। सूबे नवास्कोशिया में 1.25 लाख से ज्यादा अफराद ताहाल बिजली से महरूम है। कैनेडा की वफाकी NDP का खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा। NDP रहनुमा कहते हैं कि तहकीकात करनी चाहिए कि ग्रोसरी चेन्स नाजायज़ मुनाफाखोरी तो नहीं कर रही। लिबरल हुकूमत महंगाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। टोरंटो की शहरी इंतजामिया को मजदूरों की कमी का सामना। शहरी इंतजामिया ने 5% तफरीही प्रोग्राम मनसूख कर दिए। शहरी हुकूमत का कहना है कि मसले के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। अमरीकी तनकीद मुस्तरद। चीन का पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन की मदद जारी रखने का ऐलान। चीन का कहना है कि अमरीका बातें करने के बजाय अमलन कुछ करे। अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जों की फरोख पर भारतीय एतराज मुस्तरद कर दिया। अमरीकी रियासत में सदी का सबसे शदीद तूफान। फ्लोरिडा में तूफान से मामूलात ज़िंदगी तबाह। एमरजेंसी नाफिज, स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद। इंतजामिया ने 20 लाख शहरियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा किया ताकि नुकसान का जायज़ा लिया जा सके और ये देखा जा सके कि अटलांटिक कैनेडा में वफाकी इदारे किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा किया ताकि नुकसान का जायज़ा लिया जा सके और ये देखा जा सके कि अटलांटिक कनाडा में वफाकी इदारे किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। वजीर आजम ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में स्टैनले ब्रिज का दौरा किया जहां तूफानी लहरों और समंदरी तूफान से चलने वाली हवाओं ने इमारतों को तबाह कर दिया और माहीगीरी की कश्तियों का मुतासिर किया। इस मौके पर ट्रूडो ने जजीरे पर मुतासरा कम्युनिटीज की मदद करने का आजम किया। ट्रूडो ने कोस्ट गार्ड कॉलेज में कैडेट से भरे कमरे से खिताब किया और फियोना के दौरान खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया। ट्रूडो ने कहा कि आप इन पिछले दिनों जो कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए एक वसीला होने के नाते ये दिखा रहे हैं कि कनाडा का बेहतरीन क्या है। ये लोग मुसीबत के वक्त, परेशान के वक्त, मुश्किल के वक्त एक दूसरे के साथ हैं। न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, नोवा स्कॉटिया और PEI के कुछ हिस्सों में सूरत हाल अब भी संगीन है जहां हजारों रिहायशी अब भी बिजली से महरूम हैं और तूफान के मलबे से सड़कें गुजरने के काबिल नहीं हैं। ऑटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के मजीद अहलकारों को सफाई और हाइड्रो वर्कर्स की मदद के लिए तैनात किया गया है क्योंकि वो तूफान के बाद तारीख दिनों में भी खित्ते के वसी हिस्सों में बिजली बहाल कर रहे हैं। सूबे नोवा स्कॉटिया में 1,30,000 के करीब अफराद ताहाल बिजली से महरूम हैं। कैनेडा की वफाकी NDP का खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा। NDP रहनुमा कहते हैं कि तहकीकात करनी चाहिए कि ग्रोसरी चेन्स नाजायज़ मुनाफाखोरी तो नहीं कर रही। लिबरल हुकूमत महंगाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। कैनेडा की वफाकी NDP खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा कर रही है ताकि ये तायुन किया जा सके कि आया बड़ी ग्रोसरी स्टोर चेन्स ज़्यादा मुनाफे में इजाफा कर रही हैं। कनाडा की बड़ी ग्रोसरी चेन्स की जानिब से हालिया मालियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मुनाफे में वाज़े इजाफा देखा गया है जबकि कनाडा में अफराते ज़र का मसला कम होता दिखाई दे रहा है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक पिछले साल ग्रोसरी की कीमत में 10.8% इजाफा हुआ है। NDP के ज़रात के नकाद एलिस्टर मैकग्रेगोर ने कहा कि वो एग्रीकल्चर कमेटी के सामने एक तहरीक पेश करने का इरादा रखते हैं।
जिसमें यह तजवीज़ किया गया है कि मेम्बरान पार्लियामेंट इस बात की तहकीकात करें कि आया ग्रोसरी स्टोर्स अफरात ज़र का फ़ायदा उठा रहे हैं। NDP रहनुमा का कहना था कि मेरे ख्याल में कैनेडियन जवाब के मुस्तहिक हैं और इस वक्त जहां वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ते हुए देखते हैं, बदकिस्मती से उनके पास एक लिबरल हुकूमत है जिसने इस किरदार पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जो कॉरपोरेट लालच बढ़ती हुई कीमतों में अदा करता है। मैं जानता हूं कि कैनेडियन अपने बजट में तवाज़न पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात के भी मुस्तहिक हैं कि अराकीन पार्लियामेंट इस मसले को देखें और हल तलाश करें। कनाडा की रिटेल काउंसिल जो बड़े ग्रोसरों की नुमाइंदगी करती है ने कहा कि वो कमेटी के मुताले की मुखालफत नहीं करती, लेकिन उसे बैरूनी दबाव जैसे यूक्रेन में जंग खाने की कीमतों पर पड़ने वाले असरात को देखना चाहिए। टोरंटो की शहरी इंतजामिया ने मुल्क भर में जारी मजदूरों की कमी की वजह से अपने मौसम खिजा के तफरीही प्रोग्रामों का 5% मनसूख करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की शहरी इंतजामिया ने मुल्क भर में जारी मजदूरों की कमी की वजह से अपने मौसम खिजा के तफरीही प्रोग्रामों का 5% मनसूख करने का फैसला किया है। 540 कोर्स की मनसूखी की रकम 10,000 है, जिनका इस मौसम खिजा के सेशन में इनेकाद का मंसूबा बनाया गया था जो 1 अक्टूबर से दिसंबर के अवाल तक जारी रहता है। मुतासर होने वाले प्रोग्रामों में तैराकी सीखना और स्केट क्लासेस, फिटनेस क्लासेस और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग सीखना शामिल है। सिटी ऑफ टोरंटो के कम्युनिटी तफरी के डायरेक्टर ने कहा है कि दीगर चीज़ों के अलावा अमले के मसाइल वबाई अमराज के दौरान खसूसी रैक वर्कर्स के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पेश करने में नाकामी से पैदा होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारी अफरादी क़ुव्वत जिन में से ज़्यादातर जुज वक्ती कारकुनों पर मुश्तमिल है दूसरे मौाक़ों को हासिल करने के लिए 2019 में इस किरदार से हट गई है। उनका कहना था कि हम इन लीडरशिप और सर्टिफिकेशन के मौाक़े और आउट रीच और भर्ती करने के लिए जितनी जल्दी हो सके तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम 1,000 लोगों की खदमात हासिल करते हैं और मुकम्मल तौर पर बैकअप होने में वक्त लगता है। शहरी हुकाम ने कहा कि वो तफरीही अहदों के लिए भर्ती को तरजीह देना जारी रखे हुए हैं बशमूल एक्वाटिक्स स्टाफ और आइस स्केटिंग इंस्ट्रक्टर्स। ताहम ये वाजे नहीं है कि अमले की कमी को पूरी तरह से पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। शहरी हुकाम ने न्यूज़ रिलीज़ में कहा कि शहर इस मौसम खजा में अपनी भर्ती की कोशिशें जारी रखेगा क्योंकि ये जनवरी में शुरू होने वाले मौसम सरमा के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन ने अमरीकी तनकीद के जवाब में रद्द अमल देते हुए कहा है कि सैलाब के दौरान इस मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त मुल्क के साथ हैं और हर मुमकिन मदद करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन ने अमरीकी तनकीद के जवाब में रद्द अमल देते हुए कहा है कि सैलाब के दौरान इस मुश्किल घड़ी में अपने दोस्त मुल्क के साथ हैं और हर मुमकिन मदद करेंगे। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की पुर्जों की फरोख्त पर भारतीय एतराज मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई थी जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ था। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल को कहा था कि सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र चीन से कर्जों की अदायगी में नरमी पर बात करें ताकि पाकिस्तान में हालात जल्द अज जल्द बेहतर हो सकें। ताहम चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान का कर्ज मुआफ़ करने या फिलहाल किस्तें मुअत्तल करने के सवाल के जवाब पर कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान नतीजा खेज इक्तिसादी और माली तआवुन रहा है और आवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक सैलाब जदगान का ताल्लुक है तो चीन दोस्त मुल्क के साथ कठिन वक्त में पूरी तरह खड़ा है और सैलाब जदगान के लिए $56 मिलियन की इमदाद कर चुका है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने अमरीका पर तनकीद करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान के मामले पर तनकीद करने के बजाय अमरीका पाकिस्तान के सैलाब जदगान के लिए हकीकी और सूदमंद इमदाद करे। दूसरी जानिब भारत को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अमरीका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जों की फरोख पर एतराज मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने पर भारतीय एतराज मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा ने एतराज मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी से निमटने के लिए है, जिम्मेदारी है कि जिसे फौजी सामान फराहम करें उसे मेंटेनेंस भी दी जाए। पाकिस्तान के लिए डील पहले से फराहम करदा तैयारों की देखभाल के लिए है। पाकिस्तान को नए तैयारे सिस्टम
या नया असलहा फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम मुल्क या उस खत्ते में दहशतगर्दी के खतरात से निमटने की सलाहियत को मजबूत बनाता है। ये किसी के भी मफाद में नहीं कि इन खतरात को बढ़ने दिया जाए। दोस्तों पर जोर देते हैं कि वह इख्तलाफात सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करें। वाज़ह रहे कि अमरीका ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान को F-16 तैयारों का सामान और आलात फरोख्त करने की मंजूरी दी थी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान आयन ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए, स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफान आयन ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिया, स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। माहरीन का कहना है कि फ्लोरिडा में इस शिद्दत का तूफान 100 साल में कभी नहीं आया। उधर क्यूबा में 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के झक्कड़ों ने 100 से ज्यादा इमारतों और मकानात को नुकसान पहुँचाया। हुक्काम के मुताबिक फ्लोरिडा में इतना शदीद तूफान 100 साल के दौरान भी नहीं आया। इंतजामिया ने 20 लाख शहरियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 5,000 नेशनल गार्ड्स को अलर्ट रखने का हुक्म दिया गया है, जबकि इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। फ्लोरिडा से कबल तूफान ने क्यूबा में तबाही मचाई। तूफान से सैकड़ों घरों की छतें उड़ गई। 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया है। मवासलाती निजाम तबाह हो गया। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। दरख्त जड़ों से और बिजली के खंभे उखड़ गए। मकानों की छतें उड़ गईं। क्यूबा में 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में एक खातून हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।